नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे राजा भर्तृहरि गुफा, माँ हरसिद्धि मंदिर, शिप्राघाट की प्रमुख आरती, उसी के साथ ही बाबा महाकाल की भस्म आरती और जलाभिषेक, शिप्राघाट पे की गई पूजा। भर्तृहरि गुफा महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। राजा भर्तृहरि जी राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा भर्तृहरि जी धर्म और नीति शासक के ज्ञाता थे। राजा भर्तृहरि अपनी धर्म पत्नी से काफी प्रेम करते थे। उनकी पत्नी का किसी और पे मुंह आने के कारण राजा भर्तृहरि जी ने अपना संपूर्ण जीवन वैराग्य को समर्पित कर दिया। वो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। भर्तृहरि गुफा नाथ संप्रदाय का साधना स्थल है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है, जिसके कारण वहाँ सांस लेने में काफी कठिनाई होती है। महासिद्धि मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर माता की कोहनी गिरी थी। राजा विक्रमादित्य जी ने माता को प्रसन्न करने के लिए 11 बार अपना शीश काट कर चढ़ाया था, पर हर बार उनका सर वापस जुड़ जाता था। माता का मुख्य मंदिर गुजरात में स्थित है। माता आज भी दिन में गुजरात और रात में उज्जैन में निवास करती है। हम जा रहे हैं रामघाट आरती शूट करने। लेट हो गए हैं, 6:16 इधर ही हो गए हैं और मिलो भाई से भैया के नशे में चूर है। तो हम आ चुके हैं अभी रामघाट, आरती जल्दी शुरू होने वाली है। बस अभी हम हमारे भाई आशीष का इंतजार कर रहे हैं। वो अभी आ तो गए हैं अभी, बस अभी पता नहीं लग रहा कहाँ कौन सी जगह पे है। तो भाई ये हमारे भाई आशीष भाई जी जिसका इंतजार कर रहे थे हम। तो भाइयों ये हमारे आशीष भाई मासी के बेटे, ये इंदौर में ही है, इनको पता लगा मैं आ रहा हूँ तो, और ये मिलने आ गया भाई भैया से। तो अभी हमने आरती की वीडियो शूट की है, आप देखना और बताना कि कैसी लगी। तो भाई भी हमारे वीडियो शूट करते हैं बहुत अच्छी अच्छी, मैं इनका लिंक डाल दूंगा अपनी आईडी में, आप फॉलो करना। महाकाल लोक की सिनेमैटिक वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। जय श्री महाकाल। टाइम हो रहा है 2:25 और हम जा रहे हैं भस्म आरती अटेंड करने। तो पंडित जी हमारा अभी वेट कर रहे हैं, तो जैसे दर्शन होते हैं आपको दिखाते हैं। बाबा के गर्भगृह में जाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अपना मोबाइल अपने होटल रूम में छोड़ के आइए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो आपको YouTube चैनल पे बाबा के लाइव दर्शनों में मिल जाएगी। अंदर जाते समय अपना टाइम नोट कर लीजिए और उसी टाइमिंग के हिसाब से अपनी पूरे दर्शन की वीडियो निकाल लेना है, जैसे मैंने निकाली है। अपना पूरा ध्यान अपनी पूजा अर्चना पर लगाइए।
जय श्री महाकाल। आज ये हमारा उज्जैन में तीसरा दिन, तो अभी हम जलाभिषेक करके आ गए हैं। सुबह हमने बस मारती थी और फिर जलाभिषेक करके अब बस राम घाट के लिए निकल गए। राम घाट पे हमारी एक पूजा है, वो पूजा अटेंड करके फिर 2 बजे हमारी ट्रेन। तो अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं। महाकाल सभी भक्तों को, मैं पंडित वेद प्रकाश त्रिवेदी, रामघाट मुख्य तीर्थ पुरोहित, पंडा हल्दी वाला मराठा। आज हमारे यजमान राहुल जी द्वारा दिल्ली से यहाँ पे आके परिवार हेतु नवग्रह सुख शांति पूजन कराई गई है। और उनके पूजन पूरी द्वारा यहाँ पे शिवराम के हनुमान मंदिर रामघाट मुख्य कुंभ पेड़ी पर आज यहाँ पे पूजन सम्पन्न करी गई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में और इनके परिवार के जीवन में ऐसे ही उन्नति बनती है। जय श्री। ये जो पंडित जी हैं ये बड़े ही एक तरह को, मैंने उज्जैन में काफ़ी पंडित देखे हैं पूजन के लिए। यहाँ आके जो शांति और जिस तसल्ली से पूजन कराते हैं, शायद ही अभी तक मैंने तो देखा नहीं यहाँ पर ऐसे कोई पूजन कराता होगा। तो आपको कभी भी अगर उज्जैन आना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा वो एड्रेस और वीडियोज़ में आपको दिखा दूँगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो राम घाट का गेट है, यहाँ आके सबसे पहला मंदिर आपको यही दिखेगा। मैं इनका मोबाइल नंबर और एड्रेस पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप भी अपने जीवन काल में एक बार उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जरूर आइएगा। बाबा महाकाल को हमारा शत शत नमन।